लेके चले जाते हैं, उसके बाद में कोई काम नहीं होता कॉलोनी के अंदर। करतार जी के पास भी गए, 10 बार जा चुके हैं करतार जी के पास में। इस बार जो है विधायक के रूप में नए चेहरे को देखना चाहते हैं क्या? हाँ, हम नया चाहे, जब हमारी कॉलोनी में कोई काम ही नहीं होगा, हम तो चाहते हैं कि जो हमारी कॉलोनी में काम करेगा ना वही हमारे लिए ठीक है। तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, देंगे भी उसी को, वोट नहीं देंगे जब तक पहले हमारा काम नहीं होगा हम वोट नहीं देंगे। क्या क्या दिक्कतें हो रही है हमें यहाँ पे? दिक्कत ही दिक्कत है, बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा सकते, ऑफिस वाले लोग ऑफिस नहीं जा सकते, पानी आप लोग खुद देख सकते हैं कितना भरा हुआ पानी। हमारे विधायक जो है करतार सिंह जी, हम पिछले 3 सालों से हर संडे को उनके पास जा रहे हैं, कभी तो बोलते हैं बजट आ गया है, कभी बोलते हैं आने वाला है, कभी फोन मिलाते हैं किसी को इंजीनियर आएगा मंडे को 11 बजे, इस तरीके से हमको गोली दी जा रही है, बाकी हम कई बार गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमका 24/7 में, मैं हूँ इखलाक उमन। इस वक्त हम आय नगर के जी ब्लॉक में मौजूद हैं, जहाँ पर एक तरफ केजरीवाल सरकार का जो विकास है वो तो तेजी से चल रहा है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वो उनका विकास जो है, उनकी विकास की जो गाड़ी है वो तेजी से चल रही है। लेकिन वहीं पर आप देखिए यहाँ पर आया नगर के जी ब्लॉक में यहाँ की रोड की स्थिति क्या है, यहाँ के स्थानीय विधायक का क्या काम है यहाँ पर? काफ़ी लंबे समय से रोड की स्थिति खराब है और यहाँ पे स्थानीय विधायक अभी तक नहीं आए हैं, ना ही कोई काम हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि आप देखिए कि कितना पानी भरा हुआ है, अभी 2 दिन पहले जो है बारिश हुआ था, कल भी हुआ था, जिसकी वजह से पानी जमा और लोग काफ़ी समय से लोग परेशान हैं और उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। यहाँ पे बच्चे जो है जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं उनको दिक्कतें हो रही है और यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं दुकानदार है खास करके उनको भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी जमा है और लोगों को जो आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है कि वो साइड से आना जाना कर रहे हैं और जो बाइक से आते हैं उनको उनकी बाइक जो है बीच में ही फंस जाती है क्योंकि कीचड़ की वजह से उनकी बाइक भी नहीं निकल पाती, स्कूटी वालों का भी बुरा हाल है। तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है और यहाँ के स्थानीय विधायक का क्या काम है, वो आते हैं कि नहीं आते हैं। इस वक्त हमारे साथ आया नगर की महिलाएं खड़ी है, उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है इस सड़क को लेकर हम आइए हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी क्या क्या दिक्कतें हो रही है रोड पर पानी? अरे रोड पर पानी, हम लोग निकलने उकलने में दिक्कत होती है, बच्चों के ले जाने में ट्यूशन स्कूल में दिक्कत होती है, हम लोग का बाजार हाट करने में दिक्कत होती है, कैसे जाएंगे हम लोग ऐसे बाजार करने के लिए, गिरते हैं उसी में। हाँ यही तो हाल है, हम लोग जाते हैं तो परेशान रहते हैं, गिर जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं तो गिर जाते हैं, बाजार हट जाने में हम लोगों का सरकारी काम से आप लोग कितना संतुष्ट है जो उन्होंने अंधेरा वगैरह सब बंद है, वो सब बच्चा ही किया, बच्चे भाग लेते किसी बात से बच्चों को भाग नहीं सकता। क्या आंटी क्या हाँ बोल रहे हो, जब तक रोड नहीं बनेगी भैया हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है, चाहे कितने नेता है कुछ भी आए, हमारा ना रोड बन रहा है ना सीवर डल रहे हैं, बस बोल के चले जाते हैं और जीत के वहीं बैठ जाते हैं जहाँ उनको बैठना होता है। ठीक है, ये काफी साल हो गए, 5-6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए ना, नहीं वोट मांगने आते तब तो बोल देंगे, बड़े बड़े भाषण देके चले जाते हैं, उसके बाद में कोई काम नहीं होता कॉलोनी के अंदर, सीवर डल ठीक है, नाली बने ना कहीं रोड बना ना कुछ नहीं, स्कूली बच्चे जाते हैं कर रहे हैं और ना कोई सरकार कर ही रही, इस कॉलोनी का तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बोल बोल के थक गए हैं। करतार जी के पास भी गए, 10 बार जा चुके हैं करतार जी के पास में। इस बार जो है विधायक के रूप में नए चेहरे को देखना चाहते हैं क्या? हाँ, हम नया चाहे, जब हमारी कॉलोनी में कोई काम ही नहीं होगा हम तो चाहते हैं कि जो हमारी कॉलोनी में काम करेगा ना वही हमारे लिए ठीक है। और क्या, वही प्रधान है, जो कोई हमारे कॉलोनी में काम करेगा वही प्रधान है, वही सब कुछ है, रोड बन जाए ना कहीं रोड है कहीं नाली से बच्चे गिर जाते हैं, रात में सब आदमी लोग पीछे में लेकर पीछे दोस्त उलट जाते हैं कीचड़ में, कपड़े सारे सूख जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं कितने बरसात होती है, हमने सरकार को बोला था कि यहाँ से बच्चे जैसे बाइक से जाते हैं स्कूल लेके जाते हैं वो बाइक गिर जाते हैं, घुटने तक पानी आ जाता है, पर उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने एक बार लेके मोबाइल में यहाँ का नक्शा भी दिखाया था सर को, गए थे हम लोग ये करतार जी के पास में स्कूल, उन्होंने बस यही बोला कि मैडम आपका काम हो जाएगा हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा ये तो बताइए, इतने साल हो गए हैं, बार बार हम गाड़ियां भर भर के जाते हैं, उद्घाटन हो गया है, लड्डू भी बट गए हैं, पर अभी पहले उद्घाटन अभी 1 महीना ही हुआ है, तब एक दो महीना ही हुआ है, 2 महीना हो गए पहले, ठीक है मान लो 3 महीना पहले हुआ, क्या तब उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने यही बोला था कि हाँ हम यहाँ पे सीवर डलवा देंगे और नाली भी बनवा देंगे, पर अभी तक कुछ नहीं, ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से, अभी तक हमारी कॉलोनी में कोई सुविधा ही नहीं है, ना कोई नाली बनी है ना कोई सड़क बन रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही हम लोगों को। सरकारी कामों से खुश हैं आप?
मैं तो बिल्कुल भी नहीं खुशी, हमारा कोई काम ही नहीं होता है तो मैं क्यों खुश रहूंगी? जो काम करेगा उसी से खुश है, हमें तो जो काम करे तो खुश हो। भाई हमारा काम नया चेहरा, नया चेहरा हमारे रोड बनवा देगा, दो सीवर डलवा देगा, हम उसी को वोट देंगे, पूरी कॉलोनी उसी को वोट देगी। चलिए चलिए ठीक है, आप लोग भागी क्या क्या दिक्कतें हो रही है? हमें यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है, बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा सकते, ऑफिस वाले लोग ऑफिस नहीं जा सकते, पानी आप लोग खुद देख सकते हैं कितना भरा हुआ पानी यहाँ पे, लोग बदल के चल जाते हैं बाहर के, हमारे जो गेस्ट है वो आ नहीं सकते हैं यहाँ पे। पानी पानी पीने वाला पानी आता है, पानी आता है, लाइट है, बिजली भी है, बट यार रोड स्कूल बहुत दूर है यहाँ से। देखो ना बिजली बहुत दूर है यहाँ से, बच्चे को जाने में आने जाने में ऑफिशियली बात है। अभी हमने सुना है की बच्चे स्कूल भी जाना बंद कर, जाएंगे बच्चे तो ऑफिशियली बात है, जब बच्चे निकल वैन नहीं निकल पाएंगे तो बच्चों को कैसे भेजेंगे आप बताइए? केजरीवाल सरकार का, हम किसी की सरकार से खुश नहीं है, हमें हमें हमारा काम चाहिए, पहले रोड बननी चाहिए, अदरवाइज हम कुछ नहीं, किसी सरकार विधायक करतार सिंह इस बार तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, देंगे भी उसी को, इस बार वोट नहीं देंगे जब तक पहले हमारा काम नहीं होगा हम वोट नहीं देंगे। रोड बनेगी ना उसी के, तार देखिए किस तरीके से लटके हुए हैं, टा गए काला देखा सड़क हाथों में चोट लगा, कमर में चोट लग गया, रोड बनवाना जल्दी। अच्छा आप स्थानीय विधायक से खुश हैं? जी काम करवा देंगे, खुश हैं, काम करवाएंगे तभी बिल्कुल नहीं, अभी नहीं खुश हैं। भैया हम हमारे हाथ पाँव टूट गए जब कई होगा, अच्छा अब हम खुश हैं, अभी आपकी गिरी है और क्या, मैं आने जाने में आपको कितनी तकलीफ हो रही है? छोटे छोटे बच्चे किताब कॉपियां खराब कर लेते हैं, चोट आ जाती है, कपड़े फट जाते हैं, और हम जो 80-82 साल की उम्र, हम तो जाते ही नहीं, निकला ही नहीं जाता है। अच्छा हाँ, बच्चों के चोट लग जाती है, किताब कॉपियां खराब हो जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, बैल वाला आता नहीं है, बैल फंस जाती है, तो बच्चे फिर बहुत तक जाते हैं। केजरीवाल के कामों से आप संतुष्ट हैं? केजरीवाल सरकार के कामों से संतुष्ट है, जो योजनाएं निकाल रहे हैं? हम तो जो है जब योजना है वही जो प्रेजेंट में काम भी गए यहाँ पे भैया, स्थानीय विधायक के कामों से, करतार सिंह तवर जी के कामों से, अब जी तो भैया जो है आला अधिकारी आप ही जाने, हमको तो जो है हमारा जो होता है हमारे बच्चों के ऊपर होता है, यहाँ कुछ नहीं, हमारे बच्चों इधर कोई नहीं आता देखने चाह रहे हैं, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, बढ़िया नया आज तो शुरू से ऐसे ही है, आठ साल आने जाने में दिक्कतें होती, बहुत दिक्कत होती है। तो आपने कभी सरकार से या स्थानीय विधायक, हमने बड़ी कोशिश की, हमारे विधायक जो है करतार सिंह जी, हम पिछले 3 सालों से हर संडे को उनके पास जा रहे हैं, कभी तो बोलते हैं बजट आ गया है, कभी बोलते हैं आने वाला है, कभी फोन मिलाते हैं किसी को इंजीनियर आएगा मंडे को 11 बजे, इस तरीके से हमको गोली दी जा रही है। बाकी हम कई बार गए और हम फिर भी जाते हैं, हम हारे नहीं है अभी। सरकार के कामों से आप कितना संतुष्ट है? हाँ किया है कुछ काम बाहर जो किया है, और स्थानीय विधायक कैमरा लगाया है, विधायक जी ने बहुत काम किया है दूसरी जगह, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल तो कुछ नहीं किया है। आप देख सकते हैं गलियों में जो कि सरकार का ही काम है, खंभा नहीं लगा हुआ है, तार कैसे बंडल बने हुए हैं, बिजली रहती है? हाँ बिजली रहती है, गर्मियों में काफी कटी थी, अभी फिलहाल है। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार झा। कितने दिनों से यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है? यहाँ पर 10 साल से ऐसे ही, शुरू से जब से हम लोग आए हैं शुरू से ऐसे ही स्थिति बनी हुई है, हर एक बार बोला जा रहा है कि रोड बनाइए रोड बनाइए, आते हैं देख के चले आते हैं, उद्घाटन हो गया रोड का, लेकिन अभी तक कोई कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पर। स्थानीय विधायक आते हैं यहाँ पर तो उद्घाटन जो हुआ है तो किन के द्वारा हुआ है पहले ये बताइए? करतार सिंह जी आते थे, आए हैं दो दो बार और उद्घाटन करके गए हैं, नारियल फोड़ पर भी, नारियल फोड़ पर कितने दिन पहले फोड़ कर भी गए हैं, तो 6 महीना 3 महीना के आसपास। क्या आश्वासन मिला है कब तक बनेगा? उनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ यही कि बन जाएगा, बन जाएगा। आप बताइए। हम क्या बता सकते हैं, बस यही कहते हैं कि हाँ बन जाएगा बन जाएगा बस। तो आपने इसकी शिकायत विधायक जी से करी है? हम दिल्ली जाते हैं हर एवरी संडे जाते हैं, बस यही कहते हैं हाँ हो जाएगा, अभी फंड में पैसा नहीं आएगा तो हम मनवा देंगे। अभी बीच में बारिश भी हुई है तो उसको लेके क्या आपको परेशानी है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना भारी हो रहा है, हम लोग को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, लेडीजों को जाना बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी हाल में विधायक जी आए हैं? अभी कल, हाँ कल आए, कल आए थे विधायक जी, किसी के उसमें आए थे, यहाँ से गाड़ी में बैक करके चले गए, देखा उन्होंने कंडीशन, मगर कुछ बोले नहीं, बात बात नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए।
सर यही स्थिति है हम लोग को, रोड मेन है क्योंकि आज के टाइम में ना बच्चे लोग को स्कूल जाना लाना हर गार्जियन को जरूरत होता है कि रोड सही हो जाए तो बच्चे सुरक्षित अपना घर आ जाए। रोड की वजह से हम लोग बहुत परेशान है, रोड बनवा दे मेन चीज हम लोग को यही है। नाल सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, संतुष्ट है, मगर हम लोग को ये रोड नहीं है ना, मेन तो रोड है ना सर, मेन स्थानीय विधायक। हाँ स्थानीय विधायक के बारे में बिल्कुल, विधायक आते हैं बोले हैं, हम लोग को उद्घाटन करके भी गए हैं दिन पहले 3 महीने पहले और बताए हैं कि आपका बन जाएगा, काम प्रोसेस में है। कुछ दिन के लिए दिल्ली सरकार बंद किया था धूल मिट्टी के चक्कर में, तो इसीलिए बाकी हम लोग को तो जब तक काम नहीं होगा तब तक हमें क्या पता चलेगा कि रोड बने। हाल में आए हैं विधायक जी? हाल में हम तो था नहीं यहाँ पे, कल आए थे सुनने में आया है, लेकिन 3 महीने पहले नारियल फोड़ के गए हैं, लड्डू बांट के गए हैं, सब कुछ करके गए हैं, लेकिन ये स्थिति आज से नहीं, 7-8 साल से ऐसे ही है। आते हैं हाँ डेली आते हैं, बराबर डेली तो नहीं, मैं 10-15 दिन में आते जाते रहते, ऐसी बात नहीं है, देखते हैं, लेकिन आप खुद ही देखो इसकी कंडीशन क्या है। आप लोग क्या मांग करें, क्या चाहते? हमें ज्यादा कुछ मांगनी चाहिए, ये मेन गली बना दे हमें, रोड नाली बस सीवर भी नहीं है, और उसमें सीवर ऊपर तो खैर बहुत दूर की बात है, पूरी आय नगर में नहीं है सीवर, कम से कम ये मेन भी रोड बना दे, हम गली गली खुद बना लेंगे। फिलहाल फिलहाल नाली और मेन रोड ये पक्का हो जाना चाहिए। केजरीवाल के कामों से खुश हैं? खुश तो है, सारे जगह में कर रहे, लेकिन आया नगर में ये जगह ये पारस कॉलोन में हो रहा नहीं। पानी वगैरह जो घर फैमिली आता है बुरा हाल है, पानी में पानी नहीं आता है, पानी तो आता है, पानी आता है, पीने वाला पानी आता है, लेकिन बुरा हाल है कीचड़ भीचड़ वजह से। केजरीवाल इसके करतार सिंह जी के यहाँ आप गए? करतार सिंह बहुत बार गए, संडे को हर संडे को जाते हैं, मिलता है, हो जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। अभी आप बताइए क्या पूछे, ये रोड की स्थिति कम से कम आज क्या कहना चाहिए, 7-8 साल से रोड की स्थिति ऐसे ही है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आता है बोल के चला जाता है हो जाएगा, अब चिंता मत करो हो जाएगा। और आप करतार सिंह तो मोस्टली फ्रिक्वेंटली आते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार आते हैं और देख के जाते हैं, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ उनको बोला नहीं? हाँ उनको बोलते हैं बन जाएगा, अभी ये प्रॉब्लम है तो ये आश्वासन मुहूर्त होने के बाद भी नहीं बन रहा है। क्या क्या परेशानी होती है जब पानी भर जाता है इसमें? परेशानी में बाइक से पटक लगती है इसमें, कीचड़ कीचड़ इतना हो जाता है, पटक नहीं लगती क्या? पैंट कमीज पहन के हम नहीं जा सकते, हाथ में हो जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, कैरी बैग में लेके जाना पड़ता है, स्लीपर में जाना पड़ता है, जूते पूरे खराब, कई बार बंदे गिरे से जाते हैं, स्लिप करते स्किड करते है पूरी, सुबह बाइक को छोड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, निकलना पड़ेगा, पूरा निकलना पड़ता, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल लेके जाना पड़ता है सुबह, सबसे ज्यादा दिक्कत ये प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे कॉलोनी में, बहुत बच्चे का बहुत दिक्कत पड़ता है। पानी जमा होता है तब क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत पैर स्कूल नहीं जाते, 3-4 दिन से स्कूल नहीं गए हैं और बहुत दिक्कत पड़ता है, होती है पानी जब जमा होता है तो बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं और कैसे जाएंगे यहाँ पे, और ऐसे तो खासा जब पानी नहीं होता सूखने पर भी ऐसी स्थिति बनी रहती है, मतलब तब भी नाला का पानी उधर भी जाता रहता है। अच्छा अब बताइए, ऐसे ही तो हालत है, बच्चे तो स्कूल नहीं जाता, तो 3-4 दिन हो गया बच्चे नहीं स्कूल जा पाते, कीचड़ है, अभी तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए, सूखने का इंतजार कर रहे हैं, पानी सूख गया तभी बच्चा जाएगा, तभी तो बच्चा जाएगी, पानी पानी 5-6 दिन हो गया पानी, और वैसे हालत तो रोड की हालत कितने दिनों से खराब हो गया, तो ऐसे ही 5-6, 2-3 साल हो गया। केजरीवाल सरकार के कामों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, लोग पूछने के लिए 2-3 बार आप बताइए ना, क्यों 2-3 बार उनके पास भी गई, बोल की चली जाते हैं। यहाँ के लोग जो है काफी परेशान है, हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि 7 सालों से जो है ये रोड ज्यों की तो पड़ी हुई है, और इन लोगों के तरफ से बार बार स्थानीय विधायक के पास जाकर जो है यहाँ की शिकायतें की जा रही है, वीडियो बना के भी उन्हें भेजा जा रहा है कि आप देखो साहब की यहाँ की स्थिति कैसी है, लेकिन कोई भी रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? स्थानीय विधायक करतार सिंह तंवर जी आयनगर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये तो यहाँ के लोग भी बता पाएंगे, और यहाँ के लोगों से हमने और भी यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 महीना पहले जो है स्थानीय विधायक करतार सिंह तंवर जी आए थे और उनके द्वारा जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, नारियल भी फोड़ा गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम जल्द काम करवा देंगे 3 महीना पहले, यानी आप अब देख लीजिए कि चुनाव नजदीक आ चुका है लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, और आगे भी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि नहीं होगा। यहाँ के लोग इससे परेशान होकर जो है अब इन लोगों का कहना है कि जो भाई नया काम जो नया बंदा आएगा, नया चेहरा जो आएगा, जो काम करेगा, हम उनको वोट देंगे, हम करतार सिंह से नाखुश हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि जो
जो केजरीवाल सरकार का योजना है उनसे भी नाखुश है, कुछ लोग खुश हैं। तो उन लोगों का कहना है कि ये जो काम है, इन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ की जो रोड है वो बन जाए। चूंकि यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग से हमने बात की तो उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है, कुछ जो महिलाएं हैं वो गिरी भी हैं, उनको चोटें भी आ जा रही है, बच्चे जब यहाँ पे पानी जमा हो जाता है तो बच्चों को आने जाने में दिक्कतें होती है स्कूल जाने में। उसके वजह से चार दिन तक अभी जो हाल में हमने बात किया, चार दिनों से बच्चे स्कूल नहीं गए। और अब ये तमाम चीजें सामने आ रही है उठ के, और चुनाव भी नजदीक है, तो अब देखना यह है कि यहाँ से कौन नया चेहरा होगा और यहाँ की जो जनता है वो किसको चुनेगी। तो ये तमाम खबरें को लेकर हम आप तक रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार।